अस्सलाम वालेकुम, आप सबका क्या हाल है? ठीक ठाक है? वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो अभी कुछ टाइम पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो वो न्यूज़ थी कि 30% टैक्स प्रपोज बाय इंपोर्टेड गवर्नमेंट ऑन ऑनलाइन अर्निंग्स अबव 1 लाख रुपीज़। मीन्स कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या यूट्यूबर हैं या कोई भी, आपकी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन आती है, तो वो 1 लाख से ऊपर, अगर पर मंथ आप 1 लाख कमाते हैं, तो उसमें से आपको 30% जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये IMF ने डिमांड किया है कि 30% जो टैक्स है वो हर सैलरी पर्सन के ऊपर लगाना चाहिए। तो हुकूमत ने ये बोला है कि ये तजवीज़ है हमारे पास कि 30% टैक्स जो है वो फ्रीलांसर्स, ख़ास तौर पे जो फ्रीलांसर्स हैं, जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसको तबाह करने का इन्होंने और कोई तरीका नहीं छोड़ा पीछे। कि इसमें ये होगा कि अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं, जैसे बच्चे बच्चियाँ हैं घर बैठ के काम करते हैं, तो फाइवर से, अपवर्क से अगर कोई अर्निंग करता है, तो एक पहले उनकी भी बहुत फ़ीस होती है, जैसे 20% फाइवर डिटेक्ट करता है तो वो फ़ीस होती है। तो कहने का मतलब है कि अगर वो $100 कमाएँगे तो उनकी जेब में जो है ये टैक्स सारा लगने के बाद 20% प्लेटफॉर्म की फ़ीस, उसके बाद 5% जो है वो पायनियर की फ़ीस, उसके बाद 5% जैज कैश या इजी पैसा में करने के लिए, और 30% ये, मतलब 60% जो है वो टैक्स लगेगा, और $100 कमाने के बाद $40 उसको हाथ में आएंगे। मीन्स कि अगर वो 100 रुपया कमाता है तो 40 रुपये उसको जो है वो मिलेंगे। तो मेरी तो समझ से बाहर है कि ये, अगर ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसमें ये होगा कि जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी फ्रीलांसर्स हैं, वो फिर कोई और रास्ते देखेंगे, या अपना जो पैसा है वो पाकिस्तान में नहीं लाएंगे। तो ये जो है कोई अच्छा स्टेप नहीं है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक। बाकी अल्लाह ही बचाया इस हुकूमत तो।